साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन इंडिया, ये जो सब्जेक्ट्स है इसका मॉड्यूल 2 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम लोग बात करेंगे डिस इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर स्कोप ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। डिस इन्वेस्टमेंट जो है एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट सेल्स और रिड्यूस इट्स स्टॉक इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है उसको या तो रिड्यूस करता है या तो सेल करता है। तो ये जो प्रोसेस होता है उसी को डिस इन्वेस्ट कहा इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs है वो। इट इज़ यूजुअली डन टू अचीव वेरियस ऑब्जेक्टिव्स सच एज रिड्यूसिंग द फिजिकल बर्डन, प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशंस, इम्प्रूविंग इफिशियंसी, इनकरेजिंग कंपटीशन इन मार्केट। इन सभी पर्पज़ के लिए या इन सभी गोल को अचीव करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, गवर्नमेंट आपका सेल करना स्टार्ट करता है, या जो जो गवर्नमेंट के हाथ में जो स्टॉक होता है उसको बेचना स्टार्ट करता है, रिड्यूस करना स्टार्ट करता है। तो वो जो है आपका कहलाता है डिस इन्वेस्टमेंट। जो फ्यूचर स्कोप है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, वो है आपका इंक्लूडिंग डिस इन्वेस्टमेंट डिपेंडिंग ऑन सेवरल फैक्टर्स सच एज गवर्नमेंट प्रायोरिटीज, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल डायनेमिक्स, ये सभी जो है आपको है। कई सारे पॉइंट्स हैं जिसे जो है हम लोग कंसीडर करते हैं, जिसे देखकर जो है हम लोग फ्यूचर स्कोप ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्मेशंस करने की जो है ज़रूरत पड़ती है, जिसमें सबसे पहला है फिस्कल सॉलिडेशन। में क्या होता है कि जो डिस इन्वेस्टमेंट होता है कैन बी इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर फिस्कल कंसोलिडेशन, स्पेशली वेन गवर्नमेंट्स फेस फिस्कल डिफिसिट्स और माउंटिंग पब्लिक डेब्ट्स, सेलिंग गवर्नमेंट स्टॉक इन पब्लिक सेक्टर का जो भी चीज़ें हैं उसको जो है क्या करना स्टार्ट कर देता है, बेचना स्टार्ट कर देता है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को। कैन जनरेट रेवेन्यू डैट कैन यूज टू रिड्यूस द फिस्कल बर्डन, फिस्कल बर्डन को रिड्यूस करने के लिए ताकि रेवेन्यू जो है जनरेट हो सके गवर्नमेंट के पास, एंड इन्वेस्ट इन क्रिटिकल सेक्टर लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन में वो क्या करता है उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। ओके, दूसरा है आपका प्रमोटिंग इफिशियंसी एंड कंपटीशंस। डिस इन्वेस्टमेंट कैन हेल्प इम्प्रूव इफिशियंसी एंड कंपटिटिवनेस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज बाय ब्रिंगिंग इन प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशंस। प्राइवेटाइजेशन ऑफन लीड टू इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, बेटर कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड इन्हेंस ऑपरेशनल इफिशियंसी इन प्रीवियसली स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज। जो स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज है उसमें इफिशियंसी गेन करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए जो है प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, और प्राइवेटाइजेशन ही जो है एक तरीके से डिस इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है तो वो प्राइवेटाइजेशन ही आपका हुआ। ओके, उसके बाद है आपका सेक्टोरल रिफॉर्म्स। सेक्टोरल रिफॉर्म्स में क्या होता है कि जो डिस इन्वेस्टमेंट आपका होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ये क्या करता है कि जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है उसको इनकरेज करता है एंड इनोवेशंस को, बाय रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट्स रोल इन सर्टेन सेक्टर। कुछ सर्टेन सेक्टर्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है उस जगह पे। डिस इन्वेस्टमेंट कैन क्रिएट स्पेस फॉर मार्केट ड्राइविंग पॉलिसीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, फोस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। स्ट्रेटजिक डिस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट में स्ट्रेटजिकल डाइवर्स देयर स्टैक इन सर्टेन सेक्टर
एंड कंपनीज टू लिवरेज प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल. दिस अप्रोच कैन बी पार्टिकुलरली रेलिवेंट इन इंडस्ट्रीज वेयर द प्राइवेट सेक्टर हैज़ अ कंपटेटिव एडवांटेज एंड कैन कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ सेक्टर. है ना, कई सारे सेक्टर्स होते हैं जिसको मॉडर्नाइजेशन करना बहुत जरूरी है, मॉडर्न करना जरूरी है. तो उस केस में क्या करता है गवर्नमेंट कि सेल करना स्टार्ट करता है. ओके, सोशल वेलफेयर वाइल डिस इन्वेस्टमेंट कैन जनरेट रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट. जब जनरेट करता है रेवेन्यू गवर्नमेंट के लिए डिस इन्वेस्टमेंट, इट इज़ इसेंशियल टू इंश्योर डैट प्रोसीड्स आर यूटिलाइज्ड इफेक्टिवली फॉर सोशल वेलफेयर. सोशल वेलफेयर के लिए यूटिलाइज किया जाता है उसको, एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट में उसको जो है इंक्लूड किया जाता है. द गवर्नमेंट कैन प्रायोरिटाइज इन्वेस्टमेंट इन एरियाज सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन, पॉवर्टी एलिविएशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू बेनिफिट द ब्रॉडर पॉपुलेशन. इन सभी में जो है हमारा हेल्प करता है. मतलब देखो, डिस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा भी है और हमारा जो है नुकसान भी है. फ़ायदा है इन द सेंस कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू जो है जनरेट होता है और वो एजुकेशन, हेल्थ और जो पब्लिक वेलफेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है उसमें जो है यूटिलाइज करता है, मतलब उसमें वो यूज करता है, तो उसे बेनिफिट जो है हमें देखने को मिलता है. ओके, तो ये आपका जो मॉड्यूल 2 था ये आज आपका कंप्लीट होता है. और अब हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करेंगे, जानेंगे, चर्चा करेंगे. बाकी जो भी अब डेट्स होंगे आप लोगों के साथ जो है शेयर किए जाएंगे, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बताइए कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपका इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन इंडिया जो सब्जेक्ट्स है 8 सेमेस्टर में जो पढ़ाया जाता है वो आपको यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं. आप अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट्स ले सके. थैंक यू सो मच.